हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज दिवाली के शायद दो दिन रह गए, 31 तारीख को दिवाली आनी है, तीन दिन रह गए। तो गाइस, दिवाली के 3 दिन रह चुके हैं और शीतल और मैं ना घर की सफाई, पूरी सफाई करेंगे। तो गाइस, फिलहाल सफाई स्टार्टिंग से पहले मैंने अपने गंदे वंदे कपड़े पहने, मैं नहाया भी नहीं, मैंने गंदा तो होना है, वन टाइम नहाऊंगा दोबारा। तो गाइस, फिलहाल हम चावल खा रहे हैं। गाइस, ये है चावल। क्या दिखा रहा है मंकू? क्या दिखा रहा है? देखो, एक ये ड्राइंग कैसी यार की, इसे पता नहीं क्या नाम दिया इसने, ऐसा लगता है पहाड़ को से ड्राइंग बना दी। अच्छी ये है, देखो, ये देखो। ये बच्चों को ड्राइंग अच्छी लगती है। ये देखो यारी कैसे बनेंगे। अबे ये क्या है, कुछ यूनिक ही बनाता भाई यार अब तो। और ये देखो, ये क्या है, ये मेरे को ये बोल रहा है, ये वो है, वो आरव करता है, ये वो नहीं होती जो एंजल होती है, एंजल परी, उसकी कल्पना में ऐसी है कुछ। अपनी मम्मी के लिए हर्ट, पापा के लिए कुछ नहीं बनाता वो। चलो कोई नहीं, तो गाइस इतना ही था। ये इतनी सारी चीजें, तो मैं खाना खाऊं, खाना खाने के बाद पूरे घर की सफाई करनी आज। यार अपने घर भी दिखाऊंगा आपको, टूटा फूटा आपने वीडियो में देखा होगा। तो गाइस इसका रीजन भी बताऊंगा, तो मैं ठीक क्यों नहीं ठीक करा था। तो गाइस पूरी चीज आपको पूरी चीज बताऊंगा आज, आज पूरे घर के बारे में होगी शायद ये जो भी है। तो फिलहाल खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस ये गुड्डू शानू को देखो कितना शैतान है, जहाँ इसको लगता है कोई चल रहा है ना, तो घूमने जा रहा है, मेरे को लेके नहीं जा रहा है। अभी को गाइस रोने लग जा रहा है। ये देखो इसकी डेली की शरारत है ये देखो। अब वहाँ जाना एक बार, दोबारा वहाँ जाना, आगे जाना, आगे जाना। अब देखो गाइस आगे जाएगा, अब देखो आगे तक जाओ ना, गेट तक, अरे गेट तक जाओ ना, थोड़ी और आगे। गाइस ये डेढ़ गोल गड़ी चलता, देखो अब देखो फिर गाइस पीछे पीछे आएगा। तो गाइस गुड्डू थानू को मैं ऊपर छोड़ के आ रहा हूँ, क्योंकि अगर हम नीचे सफाई करेंगे धूल मिट्टी की, तो बच्चे में डस्ट वगैरह में रहेगा तो बीमार हो सकता है, तो उसको ऊपर छोड़ के आते हैं। कैसे मस्ती करता है, देखो गाइस कितनी मस्ती करता है। ऐसे मस्ती खो रहे है। चलो भाभी तो गुड्डू शानू को ले लो, नीचे मैं धूल पंखे वंखे साफ कर रहा हूँ ना। गुड्डू शानू पापा। तो गाइस मैं आपको ये बोल रहा था कि मुझे अपने पंखे साफ करने और सारे जाले हटाने। गाइस मैं हर बार बोल रहा था ना कि हमारे घर में ये आपको बता दो, इसे टूटा टूटा दिखता है सारा, प्लस्तर झड़ा हुआ लगता है। गाइस ऐसा है कुछ ना, इस घर से हम निकलना चाह रहे थे, मैंने कहा सोचा कहीं और शिफ्ट होंगे तो वहाँ ठीक करा लेंगे सब कुछ। तो ऐसे करके ना इस चीज में डीले हो गया बहुत, तो बहुत समय से ऐसी है वो। गाइस देखो घर कितना फैला हुआ है, दिखाता हूँ आपको, रसोई कितनी फैली पड़ी, सारी चीज दिखाता हूँ कितना फैल रहा है। ये देखो गाइस रसोई का सारा सामान इधर उधर हो रखा है। ये देखो सफाई पूरी, इधर सफाई होगी, देखो गाइस पूरा फेल रहा है हमारा घर अभी। सफाई करने से पहले का प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट करना जरूरी होता है। क्या होता है, धूल मिट्टी जब बालों में जाती है तो बाल खराब होते हैं, वैसे हमारे बाल बहुत टूटने लगते हैं। तो गाइस एक तरीका है, बांधते समय पहले इतना ग्राफ ले लो, इसको यू कर लो, ये सबको बताया से, और ये कैसे थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा छोटा करो ऐसे करके, ठीक है? ये बहुत ज्यादा छोटा ले लिया, इतना ही होता है ये करा। अच्छा इसको यू कर लिया, गाइस यू कर लिया, इधर से आगे घूम के अब इसको करने का, पूरे डाकू बन जाओ, डाकू नहीं सफेदी वाले तेरी पहन। गाइस कितना मजाक उड़ाते ना मेरा, और खुद ही देख रही झाड़ू वाली लगी पूरी ये। चौपर बन चुके हैं गाइस अब,
पहले तेरे नैन देखिए फिर देखा अखा नी। गाना सीख लो पहले सीख लो गाना। तो गाइस पूरा घर जो ना फैला हुआ है और पूरे घर को क्लीन करना है बहुत अच्छे से, बिकॉज दिवाली आने वाली है तो अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, आपने बता दिया, मैं तो पता नहीं था 3 दिन बाद दिवाली। तो चलो करना स्टार्ट करो, इनको झाड़ू लाके देनी पड़ेगी। तो ये बड़ा मतलब जो भी ऊंचाई का काम होता है ना, हाइट का काम होता है, वो इनको होता है और बाकी सारा मेरा होता है। तो इनका काम हमने पार्टीशन कर रखा है अपने काम में। देखो गाइस वो मैंने सफा कर दिया, ये कोना है पूरा, फिर दोबारा उसको सफा कर रही है। ऐसे करते सफाई अब गाइस मैं भी ऐसी सफाई करूंगा, जहां इन्होंने मारी ना वहां झाड़ू मारूंगा, बदला लिया जाएगा इसका। गुड गुड, शाबाश शाबाश, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। देखो गाइस तो कुछ भी कूड़ा नहीं है, फिर भी जान बूझ के कर रही है। अबे पानी पूरी दे रही थी बहन पागल। तो गाइस सारे जाले तो हट चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे जाले जो ना हट चुके हैं। अब किचन और नीचे से साफ करना रह गया है। सो गाइस फाइनली जो है ना सारा काम कंप्लीट हो गया है, सफाई हो गई। कम से कम 3 घंटे लगे सफाई करने में, 3-4 घंटे लग गए पूरी क्लीनिंग करने में, बट अब जो है फाइनली हो गई है और मैं नहा भी ली हूँ और अब मज़ा आ रहा है पूरे घर में। फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है ना, मतलब सफाई करने के बाद जब एक अलग ही रिलैक्स मिलता है ना, तो वही वाला रिलैक्स मिल रहा है गाइस। सो गाइस पूरे दिन की मेहनत करने के बाद ना, पूरे दिन की सफाई करने के बाद अब फिलहाल जो ना मैंने चढ़ा दिया है इलायची वाला दूध, हल्दी वाला दूध पियेंगे ताकि जो भी डस्ट अगर गले के अंदर गई हो तो साफ़ हो जाए और बॉडी को थोड़ा रिलैक्स भी मिल जाए। तो रवि जी को बताए कि दूध बना दो, मस्त देंगे। और आरू तो मेरा सो ही गया, फिर भी थक गया था, ये भी सो गया। Give me all you've got, if you're prepared to break the silence, I'll be out in the sun. तो गाइस घर की यार सफाई करी तो बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ दी, तो मुंह में भी चले गई बहुत सारी और ऐसा खरखरा सा भी लग रहा था। तो मैंने कहा दूध पी लेते, चिकन का दूध बनाया गया बढ़िया सा, इधर ऐसे देखिए आपको ऐसा करके कोई दिखाता है ऐसे, मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइस दूध है और नमकीन है, तो गाइस खाते हैं इसको फिर सोते हैं। गाइस तो सफाई करते करते ही रात हो गई, तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी, क्योंकि हमारी बिगनिंग स्टार्टिंग है गाइस, तो अपने सपोर्ट की ज़रूरत है। तो गाइस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस खुश रहिए।